अल्लाह माई नेम इज़ डॉक्टर असद मलिक एंड टोडे आवर टॉपिक इज़ फनज फनजा आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इट इज़ द क्लास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओके वट आर फनजा फनजाए होते क्या हैं फनजाए आर द ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैविंग अ बॉडी कॉल्ड माइसीलियम फनजाए लिंग ऑर्गेनिजम उनकी जो बॉडी है वो माइसीलियम कहलाती है विच इज़ मेड अप ऑफ हाइफी विच आर हाइफी से मिलकर बनते हैं हाइफी क्या होते हैं सीनोसाइटिक होते हैं सीनोसाइटिक मीन्स के ऐसे सेल जो कि मल्टी न्यूक्टेड हों जिनके अंदर न्यूक्लियस एक से ज़्यादा हों नॉन क्लोरोफिलस इनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता ठीक है यानी कि ये अपना खाना खुद बना नहीं सकते प्लांट्स के जैसे एंड हैव अ सेल वॉल ऑफ फंगल से और इनका जो सेल वॉल है वो फंगल सेलुलोज से मिलकर बनता है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पे एंड अकॉर्डिंग टू ओल्ड कॉन्सेप्ट वर कंसिडर्ड एज प्लांट्स एंड प्लेज इन थैलोफाइटा बट नाउ दे हैव बीन असाइन अ सेपरेट किंगडम द फनजाए पहले इनको प्लांट्स कंसिडर किया जाता था फनजाए को ठीक है जिसकी वजह से इनको थैलोफाइटा ग्रुप में रखा गया लेकिन अब इनका एक अलग सेपरेट ग्रुप बना दिया गया है जो कि किंगडम फ़न जाए के नाम से एक अलग ग्रुप है क्यों क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता प्लांट्स की तरह तो ये क्वालिटी इनको प्लांट्स से डिफरेंट बनाती है इसलिए इनका एक अलग ग्रुप बना दिया गया तो ये प्लांट्स नहीं हैं वाट आर द मेन कैरेक्टरस्टिक्स ऑफ फ़न दे आर नॉन क्लोरोफिलस सबसे पहला जो उनका जो कैरेक्टर है जो खसूसियत है वो ये क्लोरोफिलस नहीं होते इनके पास क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता सेल वॉल इज मेड अप ऑफ फंगल सेलुलोज फंगल सेलुलोज से मिलकर इनका सेल वॉल बनता है ठीक है दे आर सीनोसाइटिक सीनोसाइटिक आपको पहले भी बताया कि मल्टी न्यूक्टेड होते हैं ठीक है एक से ज़्यादा न्यूक्लियस मौजूद होगा नंबर फोर फंगल बॉडी इज कॉल्ड माइसीलियम विच इज़ मेड अप ऑफ अ थ्रेड लाइक सेल्स कॉल्ड हाइफी सिंगल हाइफा हाइफी प्लूरल है एक से ज़्यादा और सिंगल को हम हाइफा कहेंगे फंगस की जो बॉडी है वो माइसीलियम से मिलकर बनी होती है। अब माइसीलियम क्या है वो थ्रेड लाइक सेल्स हैं ठीक है उन थ्रेड लाइक सेल्स कैसे हैं मल्टीन्यूक्लेटेड होते हैं जिनको हम हाइफे कहते हैं द रिज़र्व फूड इज़ इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन पार्टिकल एंड ऑयल ग्लोब्यूल्स जो इनका रिज़र्व फूड है ठीक है फंजाई के अंदर जो रिज़र्व फूड होता है वो ग्लाइकोजन पार्टिकल्स की फॉर्म में मौजूद होगा ग्लाइकोजन क्या है ग्लूकोज की एक स्टोर फॉर्म है एंड ऑयल ग्लोब्यूल्स ऑयल ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में भी इनका जो रिज़र्व फूड है वो मौजूद होता है दे रिप्रोड्यूस ए सेक्जुअली बाई मीनस ऑफ स्पोर्ट्स और बाय बडिंग और बाय फ्रेगमेंटेशन तीन तरह की ए सेक्जुअल रिप्रोडक्शन है इनके अंदर स्पोर्ट्स की हेल्प से बडिंग से और फ्रेगमेंटेश तीन तरह की ए सेक्जुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं फन जाए सेक्जुअली देर रिप्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ कॉन्जुगेशन आइसोगेमी सेक्जुअल रिप्रोडक्शन कॉन्जुगेशन की मदद से होता है ठीक है एक टाइप है रिप्रोडक्शन की इसको हम आगे डिस्कस करेंगे जिसको आइसोगेमी भी कहा जाता है जिसके अंदर दो पेरेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं दो ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्ड होते हैं द मोड ऑफ न्यूट्रीशन में भी सेप्रोफाइटिक पैरसाइटिक और सिम्बियाटिक जो हैट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है क्योंकि इनके अंदर ऑडोट्रॉफिक तो होता नहीं है क्योंकि अपना फूड ख़ुद नहीं बना सकते तो इन्हें दूसरों से फूड हासिल करना होता है तो ये या तो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रीशन करेंगे या पैरासाइटिक मोड पर जाएंगे या सिम्बियाटिक होंगे तीनों टाइप्स की हो सकती हैं इनके अंदर देर आर टू व्यूज अबाउट देयर ओरिजिन इधर दे हैव इवॉल्व फ्राम एन अल्जा और फ्राम सर्टेन अनफ्लैजलेट प्रोटोजोआ दो तरह के इनके बारे में रिव्यूज़ हैं कि ये किस तरह पैदा हुए या तो अलजाय से पैदा हुए या फिर अनफ्लेजुलेट प्रोटोजोआ से डिवेलप हुए ठीक है ये दो तरह के रिव्यूज़ हैं इनके बारे में द फनजा आर डिस्टिंग अम्ंगस्ट दैम सेल्स प्राइमेरली बाई दियर सेक्शल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स कॉमन एग्जाम्पल इंक्लूड ईस्ट अगैरिकस पैनसीम रोप फनजाए को जो हम एक दूसरे से मुख्तल करते हैं या उनकी अलग क्लासेस बनाते हैं वो इनकी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की बेस पे ठीक है जो इनकी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की बेस पे हम इनको डिफरेंस करते हैं फ़नजाए को उसकी एग्जाम्पल्स क्या क्या है यीस्ट गैरिकस पेनिसिलियम एंड राइजोपस ओके अब आ जाएँ गैरिकस जो कि फ़र्स्ट एग्जाम्पल है फ़नजाई की अगेरिकस मशरूम मशरूम के बारे में आप सब जानते होंगे ठीक है मशरूम फूड इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है सम स्पीशीज़ ऑफ एगारिकस आर कॉमनली कल्टिटेड एज फूड ठीक है ये फूड इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है एज अ वेजिटेबल फॉर एग्जाम्पल द बटन मशरूम अगेरिकस कम्पेस्ट्र बटन मशरूम को हम अगेरिकस कम्पेस्ट्रस भी कहते हैं ये कल्टिवेट किया जाता है फूड के लिए ठीक है खाने के लिए एंड एफर्ट इज़ बींग मेड टू इंक्रीज द कल्टिवेशन ऑफ एडिशनल स्पीशीज ऑफ मशरूम इसके अलावा और स्पीशीज भी मशरूम्स की बनाई जा रही हैं उनको डिवेलप किया है. Specially in Asia, some can be grown on waste products. Waste products पर grow किया जा रहा है have a high protein content as well as a delicate फ्लेवर ठीक है इनके अंदर protein बहुत ज़्यादा होता है ठीक है और इनके अंदर जो protein content ज़्यादा होता है और इनका जो फ्लेवर है वो भी बहुत अच्छा होता है ये रहा field mushroom, ए कैरिकस कंपस्ट्रिस ठीक है इसका कैप है ये mycelium बॉडी है और ये गिल्स बेरिंग स्पोर्स हैं ठीक है ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं इसके स्पोर्स गिरते हैं और मजीद अगैर जो मशरूम है वो और यहाँ पे ग्रो हो जाते हैं साइड बाय साइड ओके नेक्स्ट आ जाए पेनीम ठीक है ये पेनीसीयम है फंगस पेनीलिन जिससे पेनीलिन बनाई जाती है ठीक है ये इसके स्पोर्स हैं ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे और ये हाइफे हैं ये फूड को जो है ना एब्जॉर्ब करते हैं ओके पेनीसीियम अमंग द अदर अमंग द अदर इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाय पेनीसीियम इज़ वन ऑफ द नेम सम सम्पीसीज ऑफ पेनीसीियम आर सोर्स ऑफ द वेल नॉन एंटीबायोटिक पेनसिलीन पेनीसीयम से फर्स्ट एंटीबायोटिक बनाई गई थी जिसको पेनीसिलीन कहा जाता है ठीक है ये फर्स्ट एंटीबायोटिक है जो इससे आइसोलेट की गई थी पेनीलिन से अदर स्पीसीज ऑफ द जीनस गिव द कर फ्लेवर्स अरोमास टू द चीज़ ठीक है दूसरा इनका काम क्या है पेनिसिलिन का इसकी और स्पीशीज़ हैं जो कि क्या काम करती हैं फ्लेवर्स प्रोवाइड करती हैं और अरोमास खुशबू देती हैं चीज़ के अंदर ठीक है इनको इसलिए इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है नेक्स्ट आ जाए यूस्टी लेगो ठीक है यूस्टी लेगो एक और आ, फंगस है एन अदर काइंड ऑफ फंजा इंक्लूडिंग यूस्टी लेगो आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रस्ट एंड स्मर्ट डिजीज ऑफ सीरियल्स ठीक है अब इसका कोई फ़ायदा नहीं है स्टील एगो का इसका सिर्फ लॉस है और वह लॉस क्या है कि ये रस्ट और स्मर्ट स्मर्ट डिजीज सीरियल्स में यानी कि अनाज के अंदर सीरियल्स मीन अनाज चावल दालें इनके अंदर वो रस्ट और स्मर्ट करते हैं यानि कि उनको डिस्ट्रॉय करता है तबाह कर देता है इस तरह की सारी फसलों को ये स्टील एगो तो इसका एक हार्मुल है ये फंगस है दि इज द टोड स्टोल ठीक है ये पॉइजन मशरूम है टोड के बारे में हम आपको बताते हैं नाउ कम टू द इंपॉर्टेंस ऑफ फनजाए फनजाई की क्या इंपॉर्टेंस है सबसे पहले फ़ूड की तरफ आएँ ठीक है खाने पीने वाले फनजाए कौन से अ नंबर ऑफ़ एडिबल फनजाइज इन द फॉर्म ऑफ मशरूम्स आर सोर्स ऑफ नरिशिंग एंड डिलीशियस फूड डिशेज बहुत सारे फनजाए हैं जो कि खाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं जैसे कि नॉर्मल मशरूम्स हैं ठीक है और इनका टेस्ट बहुत डिलीशियस होता है टुडे दे आर ग्रोन एज अ क्रॉप इन मैनी प्लेसेस थ्रू आउट द बहुत सारी जगहों पे ये इनको एज अ सोर्स ऑफ फूड इनको ग्रो किया जा रहा है एज अ क्रॉप टूड स्टोल का आपको बताया ठीक है टूड स्टोल एक पॉइजनस मशरूम है ठीक है सारे मशरूम खाने लायक नहीं होते यीस्ट है यीस्ट को इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल किया जाता है बेकिंग इंडस्ट्री में ठीक है ब्रेड मेकिंग में केक मेकिंग में उसके अलावा कुछ फंजाए हैं जो ब्रीविंग में इस्तेमाल होते हैं चीज़ प्रोडक्शन में इस्तेमाल होते हैं और ऑर्गेनिक एसिड प्रोडक्शन में इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होते हैं मेडिसिनस की बात करें मेडिसिन में कैसे यूज़ होंगे फनजाए फनजाए अ न्यू फील्ड इन मेडिसिन बींग कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसलिन क्लोमाइलोरामाइसटीन न्यूमाइसिन टेरामाइसिन कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स जो हैं वो मेडिसिन फील्ड में फंजाई की हेल्प से बनाए जाते हैं जिनके अंदर कुछ एग्ज़ाम्पल्स दिए गए यहाँ पे पैनिसलिन क्लोरोटीन न्यूमाइसिन टेरामाइसिन ये एंटीबायोटिक्स हैं बड़ी इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स हैं जो कि फनजाए से हेल्प आउट करके बनाई जाती हैं एक्सट्रैक्ट की जाती हैं सॉइल फर्टिलिटी दे मेंटेन द सॉइल फर्टिलिटी बाय डी द डेड ऑर्गेनिक मैटर सॉइल की फर्टिलिटी यानी कि सॉइल को जरखेज़ करने के लिए मट्टी को जरखेज़ करने के लिए ये डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं ठीक है कौन फन जाए जिसकी हेल्प से मिट्टी के अंदर जो है सॉइल के अंदर मिनरल्स आ जाती हैं और जितने भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि प्लांट को ग्रो करने के लिए चाहिए और डेड ऑर्गेनिज़म्स की डिकम्पोजिशन से मट्टी के अंदर मिल जाती हैं जो कि प्लांट को ग्रो करने में हेल्प देती हैं फर्मेंटेशन फर्मेंटेशन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है द प्रॉपर्टी ऑफ फर्मेंटेशन इज़ यूटिलाइज फॉर द मैनुफेक्चर ऑफ इथेनॉल ऑर्गेनिक एसिड एंड अल्कोहलिक बेवरेज फर्मेंटेशन एक प्रोसेस है जो कि बैक्टीरिया कराता है या फनजाए कराएगा ठीक है वो कुछ चीज़ों की प्रोडक्शन है उसमें हेल्प आउट कराएगा फ़नजाए जैसे कि इथेनॉल है ठीक है अल्कोहल प्रोडक्शन में ऑर्गेनिक एसिड प्रोडक्शन में अल्कोहलिक बेवरेज कोई बनाने में फनजा हेल्प करता है फर्मेंटेशन के प्रोसेस से इस सैक्रामाइजिस ब्रीवर्साइज रेंज और विटामिन ऑफ बी ग्रू क्या मतलब इस बात का कि बहुत सारे किस्म के विटामिन बी के जो चीज़ें हैं वो ब्रीवर्सट uh, की मदद सेक्रोमाइसिस सर्विएस uh, जो एक स्पेशी uh, है फंजय की वो हेल्प आउट करती है विटामिन बी को बनाने में ठीक है अच्छा जी उसके बाद food spoilage. Food spoilage उस और और आ जाए फूड स्पॉइलेज फूड स्पॉइलेज में क्या है फंजाई कॉस् ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ स्पॉइलेज ऑफ फूड स्टफ बाय मैनी ऑफ द सेप्रोफाइटिक फंजा एक सेप्रोफाइटिक फंजय की क्लास है जो कि फूड की स्पॉइलेज कराता है खाने को गला देता है ठीक है जितने भी अमाउंट में हो हैवी अमाउंट में फूड हो उसको डिकम्पोज कर देगा उसको खराब कर देगा फूड स्पॉइलेज करेगा ह्यूमन डिजीज एनिम इंसानों में या एनिमल्स में भी डिजीज कॉज करता है फनजाए वो कौन कौन से डिजीज हैं उनको डिस्कस करते हैं फंजाए कॉज अ नंबर ऑफ डिजीजेज इन ह्यूमन बींग्स लाइक एस्परजिलोसिस एस्परजिलोसिस एक डिजीज़ है इंसानों के अंदर उसके अंदर क्या होता है एयर्स एंड लंग्स डिजीज कान और फेफड़ों की बीमारी है एस्परजिलोसिस ये फंजाई की मदद फनजा कॉज कराते हैं मोनिज मोनीलियास स्किन माउथ एंड गम्स डिजीज स्किन में माउथ में और जो हमारे गम्स हैं ठीक है उसके अंदर मसूड़ है उनकी बीमारी ये मॉनिस्सेस है जो कि फंजाय कराता है रिंग वार्म डिजीज़ ठीक है रिंग वाम डिजीज़ है बॉडी के ऊपर राउंड सर्कल्स बन जाते हैं ठीक है ये भी फंजाय कॉज कराता है प्लांट डिजीज़ में आ जाए फनजाई डिस्ट्रॉय मैनी एग्रीकल्चरल क्रॉप्स फ्रूट्स ऑर्नामेंटल्स एंड अदर काइंडस ऑफ प्लांट्स ठीक है बहुत सारी फसलों को फ्रूट्स को और जितने भी डेकोरेशन के जो प्लांट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करता है उनको डिस्ट्रॉय कर देता है कौन फनजा सम ऑफ द डिजीज आर लूज स्मार्ट ऑफ वीट गंदम के अंदर उस दानों को बिल्कुल लूज करा देता है ठीक है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो पोटैटो का जो कलर है उसको बहुत देर बाद ख़राब हो जाता है वो भी जो है ना फंजाय कॉज कराता है डाउनी एंड पाउडरी मिलड्यूज डाउनी एंड पाउडरी मिलड्यूज भी कराता है रस्ट एंड स्मर्ट्स कैन कॉज क्रॉप डिस्ट्रक्शन इन लार्ज एरिया रस्ट और स्मर्स क्या है कि वो प्लांट्स को जो है ना प्लांट्स के अंदर जो फ्रूट है या जो उसका फ्रूट uh, पार्ट है उसको जो है ना डिस्ट्रॉय कर देता है पाउडर लाइक कर देता है ये कुछ प्लांट डिजीज हैं जो कि फंजाय कॉस कराते हैं स्पॉयलेज पर आए मैनी टाइप्स ऑफ फनजा आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पॉयलेज ऑफ लेदर गुड्स वूल्स, बुक, टिम्बर एंड कॉटन ठीक है इन सारी चीज़ों का स्पॉयलेज करा देता है गला देता है इन सारी चीज़ों को कौन फन जाए जिनमें क्या क्या है लेदर लेदर गुड्स वूल, बुक्स, टिम्बर एंड कॉटन इन सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देता है फन जाए थैंक यू